अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल हमने जो है वो यूनिट नंबर 1 का लेक्चर 1 लिया था। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज इसका सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, राइट। के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इन टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर जंप करने से पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, राइट। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, अब हमने उसको अंडरस्टैंड करना है डिटेल से। फॉर एग्जाम्पल, अ रिडल और अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि रिडल कहते हैं पहेली को, कि अगर हम किसी से पहेली पूछें या कोई हमसे पूछे या कोई पजल पूछे तो हम उसको सिर्फ उस सूरत में आंसर कर सकते हैं जब हमारे पास उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। जब तक हम पहेली को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हम उसका आंसर भी नहीं दे सकते। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी टाइम एंड रिसोर्सेज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में, कि एक जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम होती है वो क्या करती है, वो ईजियर बना देती है किस चीज़ को, नंबर 1 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, नंबर 2 हेल्प करती है सेव मनी टाइम एंड रिसोर्सेज। ठीक है जी, एक तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, दूसरी आपकी किन किन चीज़ों में हेल्प करती है, नंबर 2 पे मनी, नंबर 3 पे टाइम, नंबर 3 पे रिसोर्सेज। यानी आपकी मनी कम से कम लगती है। मनी कम से कम कैसे लगेगी, जाहिर है जब हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाएगी किसी भी प्रॉब्लम की, तो उस पर जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो भी हम उसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे उसमें कम से कम चीज़ें जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हमें सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हो सकते हैं हम एक्स्ट्रा चीज़ें ले आएँ उसके लिए। इस सूरत में मनी हमारी जो है वो सेव होगी जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। टाइम कैसे सेव होगा, कि ऑब्वियसली जब हम एक सीधे ट्रैक पे चलते रहेंगे, जो हमारा हमने सॉल्यूशन उसका देखा है, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड किया है, उस सॉल्यूशन पे जो है वो मतलब करेक्टली तरीके से जाएंगे तो ऑब्वियसली टाइम भी हमारा सेव होगा और रिसोर्सेज भी हमारी सेव होंगी। रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी जो है आपका मेहनत आ जाती है, कि मेहनत आपकी कम से कम लगती है। अगर आप सही तरीका नहीं चूज़ करते उसको सॉल्व करने का तो आप क्या है, ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी ज़्यादा लगेगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर की वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने में भी ये तीनों चीज़ें, मनी, टाइम और रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ये जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। अब 5 W's कौन से हैं, नंबर 1 व्हाट, नंबर 2 हु, नंबर 3 व्हेन, नंबर 4 वेयर, नंबर 5 व्हाई। यानी ये 5 W's जो हैं, अगर हम इनको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लें तो हम जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। अब ये 5 W's क्या हैं ये हम देखते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट दीज 5 W's फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन की है उसमें उस स्टेटमेंट को लेते हुए 5 W's को आपने आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स विच लीड टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स, कौन से, 5 W's विच लीड टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सपोज यूर क्लास टीचर असाइंस यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूर स्कूल हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर ए। यानी फर्ज करें कि आपके जो क्लास टीचर हैं वो आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहती हैं कि स्कूल में जो है वो उन तमाम बच्चों के नामों की लिस्ट बनाएं जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, राइट। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर
एन अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेटिकल कैटेगरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, यानी उसके लिए क्या होगा कि आपको तमाम स्कूल के स्टूडेंट के नेम पता होंगे तो आपको पता चलेगा ना कि किसका नाम ए से स्टार्ट होता है। एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कम्प्लीट द टास्क, और आपके पास ये टास्क कम्प्लीट करने के लिए जो है 1 वीक आपके पास है। अब ये जो आप ब्लू कलर में आपको हाईलाइट हुई है, दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई है, और उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, दिस वन सपोज ये ब्लू वाली जो है हाईलाइटेड, ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 5 W's निकालेंगे। We can analyze this problem by identifying 5 W's in the problem statement as given below. कैसे कि इस स्टेटमेंट में what क्या होगा, list of students name starting with letter A, यानी what में क्या आ जाएगा कि हमने करना क्या है कि स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है उनके नामों की जिनके जिनका जो है वो लेटर ए से नाम स्टार्ट होता है। Who यानी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, स्टूडेंट्स। Why क्यों करनी है, टू प्रिपेयर द डायरेक्ट्री ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। क्यों करनी है कि हमने स्टूडेंट्स की डायरेक्ट्री प्रिपेयर करनी है। When उसमें जो टाइम लिमिट होगा, यानी विद इन अ वीक, इस एग्जाम्पल में क्या टाइम लिमिट है, वीक, 1 वीक का टाइम दिया है। और वेयर कहाँ पे करना है ये सारा परफॉर्म एनालिसिस, कहाँ परफॉर्म, स्कूल के अंदर, राइट। तो ये 5 W's थे, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर, ये हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो है हमने एनालिसिस करके ये 5 W's जो है वो कलेक्ट कर लिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं, शोज द फिगर 1.2 शोज द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम वेयर द रेड लाइट प्रेजेंट अ प्रॉब्लम, द येलो लाइट प्रेजेंट इट्स एनालिसिस एंड द ग्रीन लाइट प्रेजेंट द सोल्यूशन। इट शोज दैट द प्रॉब्लम एनालिसिस मेक्स अस क्लोजर टू अ सॉल्यूशन, यानी इसकी हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पेज के ऊपर, दिस वन, ये ट्रैफिक लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं आप सबने ही देखे होंगे यकीनन, उसमें एक रेड लाइट होती है, एक ऑरेंज होती है और एक ग्रीन होती है। अब देखें रेड लाइट पे सब लोग रुक जाते हैं, रुक क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नहीं रुकेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो अगर चारों तरफ से ट्रैफिक जो है वो रन हो रही होगी तो एक्सीडेंट का खतरा है, प्रॉब्लम हो गया ना ये। और फिर ऑरेंज लाइट पे जो है वो एनालिसिस करते हैं, वो रेडी हो जाते हैं। ऑरेंज लाइट का क्या मतलब होता है कि बी रेडी टू गो, तो ऑरेंज लाइट पे जो है वो रेडी हो जाते हैं और जो है एनालाइज करते हैं कि कहीं किस तरफ से ट्रैफिक आ रही है और किस तरफ से नहीं आ रही। और फिर जब लाइट जो है वो ग्रीन हो जाती है तो उनका जो है वो सॉल्यूशन पूरा हो जाता है कि अब उन्होंने गो जो है वो उन्होंने जो चलना है, उन्होंने अपना जो है गाड़ी उन्होंने आगे ट्रैफिक में रन करनी है, रोड के ऊपर रन करनी है, ठीक है जी। तो ये क्या सेकंड एग्जांपल है, फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, यानी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई और सॉल्यूशन पे एंड हुई। एक आपने एग्जांपल देखी वो क्लास लिस्ट में जो स्टूडेंट्स नेम जिनके नेम जो हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट जो है वो बन जाएगी। तो ये दो एग्जांपल्स आई थिंक सो के एनफ हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है जी। यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई किया, उसके बाद जो है उसके एनालिसिस के लिए उसने कहा कि जो है आप 5 W's कलेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से, ठीक है जी। उसके बाद एक एक्टिविटी है, ये आपको एज एन असाइनमेंट जो है वो मैं देती हूँ, एक्टिविटी को हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर उसको परफॉर्म आपने करना है। क्या है जी, नेक्स्ट पेज के ऊपर एक्टिविटी 1.1 है, पेज नंबर 4 कंप्यूटर साइंस 9th क्लास का न्यू बुक का पेज नंबर 4 है। उस पर एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट्स आर पुट इन ग्रुप ऑफ 2 or 3 एंड ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड 2 different लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेम, यानी स्टूडेंट्स को जो है वो 2 or 3 के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ईच ग्रुप इज प्रोवाइडेड विथ 2 different लिस्ट, और हर ग्रुप के पास 2 जो है वो डिफरेंट लिस्ट हैं, यानी एक लिस्ट में नाम और हैं स्टूडेंट्स के, दूसरी लिस्ट में नाम और हैं स्टूडेंट्स के। 1 list कंटेन द मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स, एक लिस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं मैथ्स के और किसके, मैथ्स के सब्जेक्ट्स के हैं। वाइल द अदर लिस्ट इज फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, जो दूसरा ग्रुप है उनके पास जो लिस्ट है उसमें फिजिक्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। ईच ग्रुप इज सपोज्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग लिस्ट, और हर ग्रुप को क्या काम असाइन किया गया है,
तीन काम उनको असाइन किए गए हैं। नंबर वन, टॉप 5% स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, टॉप 5% स्टूडेंट इन फिजिक्स। स्टूड नंबर थ्री क्या है, स्टूडेंट्स हैविंग मोर देन 90% मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट। यानी इसमें तीन आपने जो है वो सॉल्यूशन निकालने हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है कि आपने मैथ की लिस्ट में से जिनके टॉप 5% स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट आपने बनानी है, सेपरेट करनी है। और सेकंड लिस्ट जो फिजिक्स की है, सेकंड ग्रुप ने क्या करना है, फिजिक्स के अंदर जो टॉप 5% स्टूडेंट्स हैं उनके नाम जो हैं वो सेपरेट करके निकालने हैं। और नंबर थ्री टास्क क्या है कि दोनों लिस्टों में कैसे निकलेंगे, ऑब्वियसली दोनों मार्क्स को जो है मैथ और फिजिक्स के मार्क्स को एडअप करके और फिर जो है वो हम जितने भी स्टूडेंट्स के 90% मार्क्स होंगे उनके नेम हमने सेपरेट करने हैं। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, आइडेंटिफाई 5 W's फॉर दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के आपने 5 W's निकालने हैं। ठीक है जी, 5 W's इसके निकालने हैं। नंबर वन। नंबर टू क्या है आपका कि आपने क्या परफॉर्म करना है, आपने एक सैम्पल लिस्ट ले लेनी है दो, हर स्टूडेंट ने दो दो लिस्टें ले लेनी है, उसमें तीन तीन नाम जो है वो ले लें, बेशक तीन ले लें या पांच पांच नाम ले लें। पांच नाम का एक मैथ की लिस्ट बना लें, पांच नाम की एक फिजिक्स की लिस्ट बना लें। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैथ के जैसे फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, परसेंटेज वाले कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपने मैथ की अलग टॉप 5% की परसेंटेज निकाल लेनी है मैथ के क्वेश्चन की तरह, और फिजिक्स की जो है वो अलग परसेंटेज निकाल लेनी है। फिर आपने उसके बाद तीसरी लिस्ट तैयार करनी है जिसमें मैथ और फिजिक्स दोनों के मार्क्स ऐड होंगे, और जो है फिर उसके बाद आपने जिस जिस के 90% मार्क्स होंगे उनके नेम्स आपने जो है वो शो करने हैं। ये आपकी जो है वो असाइनमेंट है। ठीक है, ये बच्चों आप सब ने असाइनमेंट करनी है, और मुझे जो है आपने ईमेल कर देनी है या व्हाट्सएप कर देनी है बाय राइटिंग जो है नेम, उसकी पिक्चर्स खींच के आपने मुझे सबमिट करा देनी है। इसके आपको नंबर भी मिलेंगे, और इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी जो है ये टास्क है। परसेंटेज आप नॉर्मली मैथ्स में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि जितने भी मार्क्स आपके गेन मार्क्स, मैं आपको फार्मूला भी बता देती हूँ क्या होता है, गेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यानी अगर आपने मैथ्स में परसेंटेज निकालनी है हर स्टूडेंट की, तो कैसे होगा कि मैथ के फॉर एग्जांपल नंबर 100 हैं, तो उसमें से अगर किसी स्टूडेंट के 54 मार्क्स हैं तो 54 गेन मार्क्स हो गए ना, 54 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 100 से डिवाइड तो हमने करना ही करना है क्योंकि 100 जो है वो मैथ के टोटल मार्क्स हैं। ठीक हो गया, और 100 से हमने मल्टीप्लाई भी पहले करना है, यानी 54 मार्क्स हैं गेन मार्क्स, फिर गेन मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय उस सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह फिजिक्स के फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स हैं या 150 टोटल मार्क्स हैं, उसमें से किसी स्टूडेंट ने लिए 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स जो गेन मार्क्स हो गए 80 को 100 से मल्टीप्लाई करें और जो उसके टोटल मार्क्स थे 150 उससे डिवाइड कर दें, इससे आपके पास हर स्टूडेंट की परसेंटेज आ जाएगी। तो इसी तरह से जो है थर्ड टास्क में आपने क्या परफॉर्म करना है कि दोनों के मार्क्स को पहले ऐड कर लें, वो टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 उसके और 150 उसके, टोटल मार्क्स 250 हो जाएंगे, और फिर जितने मार्क्स उस बच्चे ने गेन किए होंगे मैथ्स में और फिजिक्स में वो एडअप होके गेन मार्क्स हो जाएंगे। उन गेन मार्क्स को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 250 करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। यानी आपने इसके अंदर टू टास्क परफॉर्म करने हैं, एक आपने क्या करना है 5 W's निकालने हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, और एक आपने जो है ये तीनों परसेंटेजेस निकाल के और उनके नाम स्टूडेंट्स के मेंशन करने हैं। लिस्ट जो है वो बहुत लंबी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम जो है वो 5 to 6 नेम्स आप एक लिस्ट में लेंगे, और उसी तरह से जो है वो फिजिक्स के भी 5 to 6 नेम आ जाएंगे, मैथ के भी 5 to 6 जो है वो नेम आ जाएंगे। कोई ये बहुत मुश्किल असाइनमेंट नहीं है,
ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज काउंट करनी है ना इसमें, परसेंटेज की बेस पे आपने बता देना है कि टॉप 5% मैथ में कौन है, टॉप 5% फिजिक्स में कौन है, और जो है वो फिज़िक्स और मैथ में जो है वो कंबाइन करके जो है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स के जो हैं वो 90% से अबव मार्क्स हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम पढ़ा, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो पहले स्टेप पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में डिफाइन हो जाती है, उसमें से हम 5 W's निकालते हैं। और 5 W's कौन कौन से हैं, व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। 5 W's निकाल के हम सॉल्यूशन के करीब तरीन पहुँच जाते हैं, राइट। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डेली जो है वो 12 बजे आपका ये लेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ करेगा, 12:05 या 10 मिनट पे मैं ट्राई करूँगी ताकि कोई बच्चा अगर लेट हो जाता है तो वो भी इस लेक्चर को जो है वो ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।